इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच ही इसराइल ने हमास के मुखिया इस्माइल हानिया को मार गिराया। यही नहीं, हिजबुल्ला के कमांडर फुआद शुक्र को बेरूत में ढेर कर दिया गया। इन दो बड़े दुश्मनों को खत्म करने के बावजूद इसराइल के दुश्मन कम नहीं हुए हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इसराइल के कितने दुश्मन हैं और कैसे इस दुश्मनी की नींव पड़ी थी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दुश्मनी की ये कहानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी, जब जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मरवाया था। हिटलर की बर्बरता के बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यहूदियों के लिए एक नए देश की मांग शुरू हो गई। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने यहूदियों को मिडल ईस्ट में इस्लाम, ईसाइयों और यहूदियों के पवित्र स्थल वाले यरूशलम के इलाके को सौंप दिया। यहीं पर साल 1948 की 14 मई को यहूदियों के नए देश इसराइल की स्थापना हुई। ये बात इसराइल के 5 पड़ोसी इस्लामिक देशों को हजम नहीं हुई और साल 1967 में उन्होंने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया। नए बने छोटे से देश इसराइल ने 6 दिनों की लड़ाई में सबको एक साथ हराया और सिनाई प्रायद्वीप, पूर्वी यरूशलम, गाजा, पश्चिमी तट और गोलाना की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। बस तभी से ये दुश्मनी जारी है। गाजा पट्टी वास्तव में एक संकरा इलाका है। ये 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है। ये दक्षिण में मिस्र, पश्चिम में भूमध्य सागर और बाकी हिस्से में इसराइल से घिरा हुआ है। फिलिस्तीन के साथ इसराइल की दुश्मनी चल ही रही थी कि साल 2006-07 में यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले इस्माइल हानिया की सरकार को भंग कर दिया गया। इसके बाद गाजा पट्टी में अलग से स्वायत्त प्रशासन की स्थापना कर ली गई और पहले इसके मुखिया खालिद मिशाल थे। साल 2017 में हानिया को हमास का राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख चुन लिया गया। इस फिलिस्तीनी गुट का एकमात्र मकसद यही है कि इसराइल का विनाश और एक अलग इस्लामिक स्टेट की स्थापना की जाए। इसके अलावा फिलिस्तीन और इसराइल विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब मिडल ईस्ट में इसराइल इकलौता यहूदी देश है जिसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक है। यहाँ फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी की सरकार चलती है जो फिलिस्तीनियों पर शासन करती है। इसे संयुक्त राष्ट्र से भी मान्यता मिली हुई है। हालांकि इसराइल के साथ फिलिस्तीन का विवाद जारी है और ये बहुत पुराना मसला है। इसी विवाद के चलते आज स्थिति ये है कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देश इसराइल के साथ खड़े हैं तो उसके दुश्मनों की संख्या भी कम नहीं है। इसराइल की स्थापना के साथ ही उसे मान्यता देने वाला पहला देश ईरान आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन। इसी दुश्मनी की राह पर चलते हुए इसराइल और ईरान की दुश्मनी में कई देश अलग अलग पक्षों में बटे हुए हैं। ईरान में ही हमास के मुखिया हानिया को इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मार गिराया है। इसी बीच अब इसराइल ने लेबनान पर भी बड़ा हमला किया है। बेरूत में हिजबुल्ला के कमांडर फुआद शुक्र को ढेर करने का दावा किया गया है और बेरूत पर आधी रात को एयर स्ट्राइक करने से इसराइल हमास युद्ध के साथ ही हिजबुल्ला और इसराइल के बीच भी नई जंग छिड़ गई है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अगर वो इसराइल के साथ खड़ा है तो रूस ईरान का साथ देता है। इसराइल के पड़ोस में स्थित सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन भी इसके दुश्मनों में शुमार है। कुवैत और कतर भी आमतौर पर ईरान के खिलाफ लड़ाई में किसी के साथ भी खड़े नहीं होना चाहते हैं। आतंकवादी समूहों के अनौपचारिक गठबंधन यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की इसराइल के पड़ोसी देशों सीरिया, यमन, लेबनान, गाजा और इराक में अच्छी पकड़ है। ऐसे ही लेबनान के हिजबुल्ला, फिलिस्तीन में हमास और यमन के हूती विद्रोही इसराइल पर हमलावर रहते हैं। इनके लड़ाकों को ईरान ट्रेनिंग देता है और हथियार भी मुहैया कराता रहता है। एक ओर जहां कई मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ हैं, वहीं गैर मुस्लिम देशों में तानाशाही वाला देश उत्तर कोरिया ईरान के साथ खड़ा रहता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।